डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो फ्रॉम द स्टार्टिंग चैप्टर्स, चैप्टर 1, 2 और 3, आफ्टर दैट कम्प्लीटिंग दिस चैप्टर्स देयर आर रिविजन एक्सरसाइज वर्कशीट. ओके, जैसे कि बेटा हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 कम्प्लीट कर लिया है, तो उसके बाद जो अभी आप जो पढ़ रहे हो यूनिट 1, यूनिट 2 एक्सरसाइज ये कम्प्लीट कर रहे हो, ये उसी के बेस पर एक रिविजन एक्सरसाइज टाइप्स का है जो आपकी बुक्स में दिया गया है, और इसको हम लोग कम्प्लीट करेंगे. यूनिट 1 यू हैव कम्प्लीटेड इन योर बुक, यूनिट 1 आपकी बुक में कम्प्लीट हो चुका है. टूडे आई विल कवर ABC फ्रॉम यूनिट 2 इन दिस वीडियो, एंड रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज आई विल कम्प्लीट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो पे अटेंशन एवरी वन एंड कम्प्लीट इन योर बुक. सो ओपन योर बुक वेरी फास्ट. यूनिट टू इन दिस पोर्शंस वी विल कम्प्लीट एक्सरसाइज रिलेटेड कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन्स. इस यूनिट 2 में जो हमारी भी एक्सरसाइज होंगी वो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड ही होंगी जो हम लोग कम्प्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. शुरू करते हैं एक्सरसाइज ए. राइट प्रॉपर नाउन फॉर ईच कॉमन नाउन. एज यू ऑल नो प्रॉपर नाउन मीन्स पर्टिकुलर नेम. जैसे कि आप सभी लोगों को पता है बेटा कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर नेम. ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर नाउन्स लिखना है और कॉमन नाउन्स यहाँ पर ये आपको दिए गए, इनके लिए प्रॉपर नाउन्स राइट करना है. जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, यू कैन राइट एनी मॉन्यूमेंट्स नेम. यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ फिल किया गया है. नेक्स्ट स्टोरी बुक. आई एम सेइंग अकबर एंड बीरबल, बट यू कैन राइट एनी स्टोरी बुक्स. अकबर एंड बीरबल, हनुमान, गणेशा, जो आपको पसंद हो वो भी यहाँ राइट कर सकते हैं. ओके, कंट्री इंडिया. रिवर, यू कैन राइट एनी रिवर नेम. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, लाइक दिस टाइप. न्यूज़पेपर, आई एम राइटिंग हियर द टाइम्स ऑफ इंडिया, बट यू कैन राइट एनी न्यूज़पेपर नेम. आज, अमर उजाला, लाइक दिस टाइप. ओके, कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली, लाइक दिस टाइप. यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज ये. And after that exercise, we underline the proper nouns and circle the common noun. As you all know, proper nouns means particular names. And the one other things that we can recognize the proper noun, it is start with the capital letters. जैसे कि बेटा आप लोगों को पता है कि proper noun हमेशा capital letters से ही start होता है, तो इस तरीके से आपको proper noun को find out कर सकते हैं. So let's start from point number 1. Sara's parrot is called Sarpi. यू विल अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है और कॉमन नाउन को सर्कल करना है. ओके, सो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो इन दिस सेंटेंस सारा एक प्रॉपर नाउन है, तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे और कॉमन नाउन पैरेट. ओके, माई टीचर आस्क्ड फॉर अंकिता'स टेलीफोन नंबर. सो टीचर इज कॉमन नाउन एंड अंकिता इज प्रॉपर नाउन. यू विल अंडरलाइन अंकिता एंड टीचर और टेलीफोन नंबर बोथ आर कॉमन नाउन. कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3. मैसूर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. मैसूर इट इज़ अ नेम ऑफ अ सिटी, सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. यू विल अंडरलाइन दिस वर्ड एंड सिटी. एज यू ऑल नो दिस इज़ अ कॉमन नाउन. ओके, एंड पॉइंट नंबर 4. द पटेल्स आर अ फन लविंग फैमिली. द पटेल्स आर अ फन लविंग फैमिली. यू नो पटेल इज अ नेम ऑफ अ फैमिली, सो यू विल अंडरलाइन इट्स प्रॉपर नाउन एंड आफ्टर दैट फैमिली इज अ कॉमन नाउन. रविचंद्रन अश्विन इज अ ग्रेट बॉलर. वेरी इजी. रविचंद्रन्स नेम्स यू विल अंडरलाइन बिकॉज इट्स प्रॉपर नाउन एंड बॉलर इज अ कॉमन नाउन. यू विल सर्कल. राजेश इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन. सेम हेयर, यू विल अंडरलाइन राजेश एंड म्यूजिशियन विल सर्कल. श्रुति लव्स टू ईट फ्रेश फ्रूट्स. श्रुति इज अ नेम, सो यू विल अंडरलाइन फॉर द प्रॉपर नाउन्स एंड सर्कल फॉर द कॉमन नाउन फ्रूट्स. Now, exercise C, look at the picture and frame 6 sentences, circle the common nouns, okay? See the pictures, what are you seeing in these pictures? इस pictures में आपको क्या दिख रहा है? There are many rats, यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं. A cat is chasing the rats, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है. And the king is sitting on the throne, राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, like this step. सो लेट्स स्टार्ट कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज. हम लोग इस एक्सरसाइज को, इस पिक्चर्स को देख के कम्प्लीट करेंगे. ओके, सो स्टार्ट टू राइट ऑन द नेक्स्ट पेज. फर्स्ट, द कैट इज चेजिंग द रैट. द कैट इज चेजिंग द रैट. ओके, सो द कैट इज कॉमन नाउन, इज चेजिंग द रैट. हमें यहाँ पर कॉमन नाउन को सर्कल करना है. नेक्स्ट, द किंग इज सिटिंग ऑन द थ्रोन. यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, द किंग इज सिटिंग ऑन द थ्रोन. राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है. इट इज़ क्लियर. एंड पॉइंट नंबर 3. द किंग इज टॉकिंग टू द कैप्टन. इज अ कैप्टन एंड द किंग इज टॉकिंग.
द किंग इज टॉकिंग टू द कैप्टन. ओके एंड नेक्स्ट द सीन इज ऑफ आ रॉयल पैलेस. द सीन इज लुकिंग ऑफ रॉयल पैलेस. ये एक पैलेस का सीन दिख रहा है. एंड नेक्स्ट द कैट इज एक्साइटेड टू सी द रेड्स. एंड लास्ट द किंग इज लुकिंग हैप्पी. नाउ विल सर्कल इन कॉमन नाउंस लाइक दिस टाइप. यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. इट्स वेरी इजी. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. एंड व्हेन यू स्टार्ट टू राइट एनी सेंटेंस यू विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स एंड एंड विथ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. एंड एक्सरसाइज नंबर डी. इन दिस वर्ड सर्च फाइंड द नेम्स ऑफ 10 पीपल हु हेल्प्स अस. यू विल फाइंड आउट एंड सर्किल इन दिस ग्रिड. आप इसमें उन 10 पीपल्स के सर्च करोगे नेम को जो हमारी हेल्प करते हैं और सर्कल करोगे. रिलेटेड द एक्सरसाइज डाउन बिलो. इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज हमारी ये नीचे दी गई है इसी से. तो हम यहाँ पर राइट करेंगे और उसको फाइंड आउट करके आप इसमें ग्रिड में सर्कल करोगे. पॉइंट नंबर 1. आई वर्क इन हॉस्पिटल. आई लुक आफ्टर दोज हु आर सिक. मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ और जो बीमार लोग होते हैं उनका इलाज करती हूँ. मैं कौन हूँ? आई एम अ नर्स. यू विल फाइंड आउट नर्स इन दिस ग्रिड. ओके. आई पुट आउट फायर. आई एम अ फायर फाइटर. आई सेल मेडिसिंस इन अ शॉप. आई एम अ केमिस्ट. आई सर्व पीपल इन अ रेस्टोरेंट और अ होटल. आई एम अ वेटर. आई ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड्स. आई एम अ फार्मर. आई डिजाइन मशीन्स रोड्स एंड ब्रिजेस. आई एम एन इंजीनियर. I deliver letters. I am a postman. I stitch clothes. I am a tailor. Like this step, your exercise D is completed. You all will complete this exercise and find out the helper's name in this grids. After complete this work, writing should be neat and clean and learn this helper's name also. आप इन helper's name को learn भी करेंगे. Okay? I will again with you to take the rest part of this sections. Stay at your home, be safe and healthy. Thank you. Have a wonderful day.